काम कर रहे हैं। इम्तियाज जलील यांची ही पत्रकार परिषद सध्या सुरू झालेली आपण पाहतोय। कमल 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 500-500 रुपए में इन्होंने अंबेडकर नगर की महिलाओं को बेचने का काम किया है। चलिए बस करिए, ये उनके लिए काम कर रहे हैं जो देश का संविधान बदलने की भाषा कर रहे हैं। दलित समाज के अपने आप को नेता कहने वाले लोग महज 500 रुपये एक एक पुरुष एक एक महिला को देकर ये संविधान का सौदा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ये नेता है। चलिए दूसरा वीडियो बताइए, इससे पहले वाला जो बताया था मैंने, नहीं उसके आगे वाला वीडियो। हाँ ये देखिए, एक सेकंड जरा इसको होल्ड करिए आप। ये जो वीडियो है, ये वीडियो है एडवोकेट अरविंद डोनगांवकर, ये भारतीय जनता पार्टी के एक सेल के प्रमुख है। इनका ऑफिस जो है वो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। वहां पर इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को रिक्शे में भर भर के लेके आए और वहां पर उनके ऑफिस में बैठ के एक एक 1,000 रुपये, जो ज्यादा लड़ रहे थे उनको 2,000 रुपये देकर इंक लगाने का काम इनके ऑफिस के अंदर चल रहा था। डोनगांवकर नाम है, वकील है ये अरविंद डोनगांवकर, एडवोकेट अरविंद डोनगांवकर। और सबसे खास बात यह है कि इनका ऑफिस जो है जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने। अब ये वीडियो देखिए आप, ये सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हमारी टीम। ये बुरखे में आपको दिख रहे हैं, ये जो लड़का है इसके हाथ में इलेक्शन कार्ड, ये एजेंट था। ये पूरे भाजपा के तस्वीरें लगे हुए हैं, उनके जितने भी महान नेता है ना देश के, ये और ये अरविंद डोनगांवकर, ये वकील है, ये वकील है ये